हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नबील है। एप्पल रिलीज किया नया अपडेट iOS 17.4 का बीटा 1। ये बहुत ही बड़ा मजेदार अपडेट है, बहुत ज्यादा जबरदस्त और अमेजिंग फीचर्स है। ऐसे फीचर्स है जो शायद आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि आपके आईफोन में देखने मिलेंगे। ऐसे फीचर्स नहीं है जो एंड्रॉइड पे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है, लेकिन वो फीचर्स अब आईफोन में भी आने वाले है। ये सुन के आपको काफी शॉक और सरप्राइज हो सकता है। बाकी मेरे हाथ में फूल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि हमारे सैमसंग के चाहने वाले है वो बुरा मान गए हमारी वीडियो देख के। तो आप लोगों के लिए फूल है मेरी तरफ से। इसकी खुशबू सूंघिए और इसकी खूबसूरती देखिए। आपका S24 अल्ट्रा उतना खूबसूरत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये फूल तो खूबसूरत है। तो ये हमारे ऑरेंज S24 अल्ट्रा के ऊपर मैं रख देता हूं। और आपने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी जिसमें लोग बुरा माने हैं, तो पहले कमेंट में पिंड है वीडियो, जाके चेकआउट जरूर करना और अपनी विशेष टिप्पणी, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन वहां पे पेश जरूर करना कमेंट्स के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों iOS 17.4 बीटा 1 की। जो अपडेट है बहुत बड़ा अपडेट है। क्यों है? क्योंकि पूरा जो iOS सिस्टम है रीइंस्टॉल होता है। आप में सभी को ये अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आप बीटा के लिए साइन अप कर चुके हो तो आपको ये अपडेट देखने मिलने वाला है। तो फिक्र मत करना, 6.5 GB का एप्पल अपडेट पुश नहीं करता है अगर आप OTA पे करते हो रेगुलर अपडेट्स। तो बस यहाँ पे इसके नए फीचर्स पे ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके अंदर जो अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट करने से पहले, बाद में, और मॉडेम फर्मवेयर आया नहीं आया, वो सब चीजों के बारे में। तो पहले iOS वर्जन था 7.3 स्टेबल वर्जन था जो आप लोग चला रहे थे, लेकिन बेटा साइट पे चल रहा था तो बेटा अपडेट आ गया। अवेलेबल फ्री स्पेस है 951 GB के आसपास, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं। और यहाँ पे जो बिल्ड नंबर था अपडेट से पहले वो था 21D50, जो आप में से सभी के आईफोन चल रहा होगा अगर आपने iOS 7.3 अपडेट किया होगा। तो अपडेट से पहले का मॉडेम फर्मवेयर था 2.20.06 और अपडेट के बाद यहां पे आ गया है iOS 17.4, लेकिन यहां पे क्या हो गया, 14 GB या 15 GB से अवेलेबल फ्री स्पेस जो है घट गई है। क्यों ऐसा है और सच में घटी है या वापस आ गई है वो भी चेक करेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट हो गए मुझे अपडेट इंस्टॉल करके। इस अपडेट में आपको नया बिल्ड नंबर देखने मिलेगा जिसके एंड में आए है, यानी कि काफी सारे बेटा अपडेट्स आने के बाद हमको फाइनल स्टेबल वर्जन इस अपडेट का देखने मिलने वाला है। और इस अपडेट में एक नया मॉडेम फर्मवेयर भी है जो है 2.50.00, यानी नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू है 7.3 में तो यहाँ पे एप्पल सॉल्व करेगा उसको। iOS 17.4 में बेटा 1 जो है इसका, इसमें नए फीचर्स क्या है वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको नए इमोजीज देखने मिलेंगे। ये सारे नए इमोजीज जो है एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है। तो आप मैसेजिंग वगैरह के अंदर इमोजीज का इस्तेमाल करते तो ये सब नॉडिंग हेड और ऊपर नीचे करने वाला हेड जो है ये सब आपको देखने मिलेगा। कटा हुआ नींबू देखने मिलेगा, ये शायद मशरूम है, पता नहीं क्या है। और ये टूटी हुई यहाँ पे चेन है और यहाँ पे ये पंछी जो है उड़ रहा है। तो ये सारे इमोजीज जो है आपको इस वाले अपडेट में देखने मिलेंगे जो ऐड किया एप्पल ने। अब यहाँ पे इस अपडेट के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर आया है वो आ रहा है यूरोपियन यूनियन वाले कंट्रीज के लिए, लेकिन आगे जाके इंडिया में और बाकी सारे कंट्रीज में, गल्फ वगैरह में, यूएस में ये देखने मिल सकता है, इसके ज्यादा चांसेस है। बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशराइज करने की जरूरत है एप्पल को और ये काम उनका हो जाएगा। जैसे USB-C के लिए किया था तो सभी कंट्रीज में आया, वरना अभी भी एप्पल जो है लाइटनिंग चला रहा होता। अब यहाँ पे आ रहा है साइड लोडिंग ऑफ एप्लीकेशन। साइड लोडिंग क्या है, जैसे एंड्रॉइड में हम देखते हैं हमको हर चीज जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको हर चीज एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। तो ये ना हो कहीं से भी हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सके, इसके लिए अब जो है एप्पल को यूरोपियन यूनियन ने, वहां की गवर्नमेंट्स ने प्रेशराइज किया है कि आप साइड लोडिंग अलाउ कर दो। तो जैसे आप APK फाइल्स वगैरह एंड्रॉइड में डाल सकते हैं वैसे ही आप आईफोन पे डाल सकेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसकी सिक्योरिटी घट जाएगी, हो सकता है अगर आप कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड इंस्टॉल करें, लेकिन उसको बचाने के लिए एक चीज भी यहाँ पे एप्पल लेके आने वाला है, क्योंकि वो एप्पल है, कोई एंड्रॉइड फोन की कंपनी नहीं। यहाँ पे ट्विटर यूजर है एरन पी नाम से, एरन पी 613, इन्होंने, क्योंकि डेवलपर्स होते हैं इनको कोड में से पता चलता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं हमको पता चलता, कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप साइड लोड आप करते हो जैसे एंड्रॉइड में भी आप कर सकते हो, उसमें अगर मैलवेयर है तो यहाँ पे आपको नोटिफाई किया जाएगा कि भाई ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड ना करें, इससे आपको खतरा हो सकता है। तो देखिए प्राइवेसी तो जो ऐप स्टोर है उसके एप्लीकेशन से भी जा सकती है आपकी अगर आप केयरफुल नहीं हो तो, लेकिन वो थोड़े ज्यादा सेफ होते हैं। लेकिन कहीं से भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सके, इसलिए नया जो रूल लेके आए ये लोग तो एप्पल को अलाउ करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे इस बात का भी एप्पल ख्याल रखेगा। अब यहाँ पे एक और गुड न्यूज दोस्तों यूरोपियन यूनियन के लिए, लेकिन आगे हमारे साथ भी जो है ये चीज हो सकती है, और ये हो जाए तो बस मजा ही आ जाएगा आईफोन यूज करने में, कि अब आप इन ऐप पेमेंट्स भी जो है अल्टरनेट मेथड से कर सकते हो। ये है कि जैसे इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, उसका ब्लूटूथ आपको खरीदना है या कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, तो वहां पे सिर्फ जो एप्पल के ऐप स्टोर है उसका पेमेंट मेथड रहता है जिसमें एप्पल अपना 30% ऐड करता है। तो अब अल्टरनेट पेमेंट मेथड की वजह से आप जो है वो सब्सक्रिप्शन वो एक्स्ट्रा चार्ज दिए बिना भी ले पाएंगे। और यहाँ पे और अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको। अब इसके लिए हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर और प्राइवेसी में जाते हैं, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं आप कॉन्टैक्टलेस एंड NFC करके लिखा है। ये भी यूरोपियन यूनियन के लिए आ रहा है, लेकिन आगे हमको भी देखने मिल सकता है क्या होता है। गूगल पे वगैरह में हम NFC पेमेंट अपने आईफोन से नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड जो स्टोर किया हुआ है, या जैसे सैमसंग में सैमसंग पे होता है क्रेडिट कार्ड स्टोर करते और NFC पेमेंट करते, वो एप्पल में हमको देखने नहीं मिलता है। तो इससे हमारा मजा जो है किरकिरा हो जाता है, क्योंकि एप्पल पे इंडिया में काम नहीं करता है। तो ये चीज जो है अगेन फोर्स किया यूरोपियन यूनियन ने, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग ये सब चीजों में। कॉन्टैक्टलेस एंड NFC
सी पेमेंट अब जो है एप्पल को देना पड़ेगा वहां पे, और आगे जाके फिर हमको भी देखने मिल सकता है, और इसकी उम्मीद है क्योंकि 17.4 जो है आने में एक महीना है, तो देखते हैं ये कैसे जो है सामने निकल के आता है और क्या हमको गूगल पे में और दूसरे एप्स में ये सब चीजें यूज करने मिलेगी या नहीं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया साइड लोडिंग ऑफ एप्लीकेशन, इसके अंदर जो स्क्रीन टाइम होता है हमारा वो शायद काम नहीं करेगा क्योंकि वो डिजाइंड है एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप्स के लिए, तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम जो है उन एप्लीकेशन पे वर्क शायद नहीं करेगा, फिलहाल तो यही खबर है। 17.3 के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर आया है, नया फीचर आया है, वो है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन का। और स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन में आपको मालूम है कि यहाँ पे हम जाते हैं और इस पे टैप करते हैं तो यहाँ पे हमको इसको ऑफ करने का ऑप्शन आता है, फिर डिले शुरू हो जाता है। लेकिन अब जो है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल फीचर देखने मिलेंगे, जैसे सिक्योरिटी डिले अगर आपको चाहिए तो ऑलवेज पे आप रख सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे इसको ऑफ करेंगे आप तो यहाँ पे सिक्योरिटी डिले जो है वो शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे फेस आईडी मुझे लगाना है और सिक्योरिटी डिले जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे और एक घंटे का टाइम। लेकिन अगर मैं फेमिलियर लोकेशन पे हूँ और इसको मैं अगर ऑफ करता और फेस आईडी लगाता हूँ तो इंस्टेंटली स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन जो है वो हमारा ऑफ हो जाएगा विदाउट एनी सिक्योरिटी डिले। लेकिन अब ये फोन जो है क्योंकि मेरा प्राइमरी फोन नहीं है तो ये फेमिलियर लोकेशन जो मेरी होम की है या ऑफिस की है उसको रिकग्नाइज नहीं करा फिलहाल। लेकिन आपका फोन अगर रिकग्नाइज करता है प्रॉपर्ली तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। एप्पल म्यूजिक का अगर इस्तेमाल करते तो यहाँ पे आपको होम टैब जो है देखने मिलेगा एप्पल म्यूजिक के अंदर, तो इसको भी एप्पल रीवैम्प कर रहा है और धीरे धीरे चेंजेस लेके आ रहा है। सेटिंग्स के अंदर सीरी एंड सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे मैसेजिंग विद सीरी का टैब मिलता है जहां पे रीड मैसेजेस में आपको एडिशनल लैंग्वेजेस देखने मिलती है। तो मैसेज आएगा सीरी को आप बोलेंगे रीड करने के लिए तो अरबिक डैनिश ये सब लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे नए ऐड हुए, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंडियन लैंग्वेज नजर नहीं आ रही है, तो ये आ जाए तो और मजा आएगा। एप्पल पॉडकास्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं सुनते हैं पॉडकास्ट लोगों के तो वहां पे इंग्लिश पॉडकास्ट जो है उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट अब अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आवाज जो है इसका म्यूट कर देता हूँ, इसको प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वो पीछे पॉडकास्ट वाला बोल रहा है यहाँ पे आपको नजर आते रहेगा। मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और यहाँ पे आप सुनते सुनते जो है उसको रीड भी कर सकते हैं ताकि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझ में आ जाए उससे। एप्पल कारप्ले के लिए भी अपडेट एप्पल ने पुश किया है जहाँ पे कस्टम बटन जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे एप्पल कारप्ले में, और वो व्हीकल टू व्हीकल चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक व्हीकल्स के लिए अभी फिलहाल आता है वैसा। और ये नेक्स्ट जनरेशन कारप्ले जो है इस तरीके से रहेगा और कुछ स्पेसिफिक व्हीकल्स में ऐसा पूरा एक्सटेंडेड कारप्ले भी आपको देखने मिलेगा, जैसे पोर्शे की गाड़ी है, और कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी आपको एप्पल कारप्ले में देखने मिलेंगे। कुछ एडिशनल जो सेटिंग्स वगैरह है उसकी वो भी आप यहां से कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये क्लाइमेट ऐप और मीडिया ऐप ये सब भी आपको देखने मिलेगा, शायद वो भी कंट्रोल आप कर पाएंगे कारप्ले से। और जैसे एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स में हेलो वाली स्क्रीन आती है आईफोन में भी आती है, वैसे गुड बाय वाली स्क्रीन जो है कारप्ले में आगे जब आप इंजन को ऑफ कर देंगे कार को ऑफ करेंगे। अगर आपके पास यूएसबी टाइप सी वाला आईफोन है जैसे मेरे पास है 15 प्रो मैक्स 15 सीरीज का कोई भी, और अपने टाइप सी वाले ईयरपॉड्स लेके रखे वायर्ड वाले जो आते हैं, या फिर 3.5 mm टू टाइप सी वाला कन्वर्टर लेके रखा है कोई हेडफोन वगैरह कनेक्ट करने के लिए या ऑक्स कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी अपडेट जो है एप्पल पुश करेगा, उसका भी फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा जब आप उसको कनेक्ट करेंगे। तो फीडबैक ऐप में अगर हम चेक करें रिलीज नोट्स को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोन इश्यूज और उनके वर्क अराउंड भी दिए हैं, जैसे कुछ चीजें इंस्टॉल करने में एरर आ रहा है तो उसका वर्क अराउंड दिया है, फिर होम किट से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, मैप से रिलेटेड इश्यूज है, मैसेज से रिलेटेड इश्यूज है, लेकिन बहुत ज्यादा भी इश्यूज यहाँ पे नहीं है पॉडकास्ट वगैरह भी, क्योंकि चेंजेस कर रहा है एप्पल धीरे धीरे जो है इश्यूज सॉल्व करेगा और फाइनल स्टेबल वर्जन में आपको ये इश्यूज जो है रिजॉल्व होते नजर आएंगे। तो एक नए बेटा वर्जन के लिए जो फर्स्ट बेटा होता है उसके लिए जो प्रॉब्लम्स है छोटे मोटे जो भी इश्यूज है वो ठीक ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। बैटरी और नेटवर्क की बात करें, देखिए नया मोडेम फर्मवेयर आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेटवर्क में यहाँ पे चेंजेस होंगे, वो यूज करने भी पता चलेगा, अभी तो बताना मुश्किल है। रही बात बैटरी की तो बैटरी लाइफ के बारे में बताना मुश्किल है बिकॉज दिस इज नॉट माई रेगुलर फोन, मेरा प्राइमरी फोन नहीं है ये, मेरा प्राइमरी फोन है मेरा 15 प्रो मैक्स, तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ देख लेते तो अभी 92% पे है, गिरी नहीं। और जो इनिशियल बेटास थे, बेटा 1 आया था iOS 7.0 का, उसमें जो गिरी थी वो गिरी थी, फिर बेटा 2 बेटा 3 में थोड़ी बहुत गिरी और उसके बाद 92% पे सेटल होगी, तो अभी क्योंकि ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी इशू नहीं है। बाकी बैटरी लाइफ में इसके बारे में नहीं बोल सकता मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि अपना रेगुलर यूज का फोन नहीं है, इसमें हम सिम कार्ड डाल के, जो हमारा प्राइमरी सिम कार्ड तो है इसमें बट प्राइमरी सिम डाल के फिर रेगुलर जैसे यूज करता हूं, हर फोन तो यूज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेबल अपडेट्स पे ज्यादा फोकस करता हूं मैं अपना जो बैटरी लाइफ वगैरह बताने के लिए। बाकी ये जो बेटा अपडेट्स है इसमें फीचर्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। स्टोरेज अब घट गई थी तो स्टोरेज यहाँ पे चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अबाउट में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि स्टोरेज वापस आई क्या, तो स्टोरेज वापस नहीं आई, 936.5 है जबकि 950 थी, तो ये एक थोड़ा कंसर्निंग चीज है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आ भी जाती है तो वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में जाके देखते हैं हम, इसको लोड होने देते हैं और ये पर्टिकुलर फोन जो है 14 प्रो मैक्स मेरा, इसके ऊपर इसको काफी टाइम लगता है स्टोरेज लोड होने के लिए, तो ये पता है क्यों ऐसा है, जो फोन है पर्टिकुलर इसके ऊपर ये इशू करता है, बाकी 15 प्रो मैक्स पे जल्दी लोड हो जाता है। इसमें देखिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10-20 सेकंड से और अभी ये जाकर लोड हुआ, पहले तो और ज्यादा, तो सिस्टम डेटा भी एकदम नॉर्मल है 1.07 GB, कुछ ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ये स्टोरेज जो घटी क्यों और ये क्या वापस आती है नहीं आती है देखने वाली बात होगी, या ये पर्टिकुलर अपडेट की वजह से स्टोरेज घट गई ये भी एक कंसर्निंग चीज,
लेकिन क्योंकि बेटा 1 है तो यार टेंशन लेने में बात नहीं है, बेटा 4 बेटा 5 जब आरसी वर्जन आएगा तक ठीक हो जाए तो ओके नो प्रॉब्लम विद दैट। परफॉर्मेंस जनरल तो अच्छा ही है, मैंने थोड़े बहुत ऐप्स खोल के देखा तो कोई इशू नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। रही बात गीक बेंच के स्कोर्स की तो वो देख लेते हैं हम, तो इससे थोड़ा हमको समझ में आ जाएगा। सीपीयू की जो हिस्ट्री थी स्कोर की पिछले वाले अपडेट में 7.3 में स्टेबल वर्जन में 2640 6824 और अब है 2641 और 6759, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 67 68 की रेंज जो है वो हायर साइड पे अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था एक बेटा वर्जन के अंदर 65 पे चला गया था मल्टी कोर स्कोर, बाकी जो सिंगल कोर है वो एवरेज मेंटेन कर रहा है अपना और मल्टी कोर भी जो है वो ठीक ही है, नॉर्मली है, यहाँ पे कुछ घटा बढ़ा नहीं है तो ओके विद दैट और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। जीपीयू का स्कोर देख लेते हैं, यहाँ पे 22896 था पिछला स्कोर और आज है 23072, तो हायर साइड पे ही है, अच्छा ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 100 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स का फर्क हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते 2322 की जो रेंज है 22800 900 और 23000 की रेंज है वो इसके लिए सही है इस डिवाइस के लिए। i7.4 आपको कब देखने मिलता है, तो फरवरी एंड या मार्च में आपको ये अपडेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी ये पहले बेटा पे है, 4-5 बेटाज होंगे टोटल पे, अभी और 4 बेटाज आएंगे तब भी फरवरी का पूरा महीना जो है इसमें निकल जाएगा, महीना होता भी थोड़ा छोटा है, तो मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वीक में ये वाला अपडेट और काफी नए फीचर्स है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इसके लिए, लेकिन ये फीचर्स हमको भी मिलने चाहिए इंडिया में यूज करने के लिए। क्या आपको i7.4 बेटा 1 पे अपडेट करना चाहिए, अगर आप बेटा वर्जन पे ऑलरेडी थे और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज स्टेबल वर्जन पे रहना ज्यादा समझदारी है। फिलहाल स्टोलर डिवाइस प्रोटेक्शन आया उसको यूज कीजिए, अच्छे से समझिए क्या है, लेकिन उसका जो एक्चुअल यूजेज है या उसका जो एक्चुअल अपडेट है सही से काम करेगा वो करेगा i7.4 पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको सेटिंग भी प्रॉपर है सब कुछ है, वरना आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है अगर आप बार बार पासवर्ड वगैरह चेंज करते हो, तो अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और i7.4 बेटा 1 की पूरी कहानी थी, लेकिन आधी कहानी जो है बाकी की आप देखेंगे इस वाली वीडियो के अंदर इस फोन से रिलेटेड, तो ये फूल आपके लिए ये जरूर चेकआउट कर लेना ये फोन की वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।